श्रावस्ती जनपद में आज फिर आग का तांडव देखने को मिला है, जिसमें किसानों की सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। दो जगहों पर लगे अलग अलग भीषण आग से किसानों का लाखों रुपए की खेती में लगी फसल जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गई है। किसानों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग की लहरें पानी के तरीके से दौड़ती फसल की तरफ चली गई। जिधर देखो उधर तबाही ही तबाही नजर आ रही थी। श्रावस्ती जनपद के थाना मल्लीपुर क्षेत्र में दो जगहों पर अलग अलग आज आग का तांडव देखने को मिला है, जिससे किसानों की लगी सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल देखते ही देखते आग की आगोश में समा गई, जिससे किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। जहां एक तरफ गर्मी की तपिश से वही गेहूं की फसल भी अब तैयार खड़ी है, जिससे किसान अब बराबर आग का तांडव देखने को मजबूर हैं। वहीं इस तरीके से डाड़े कुइयां में शीतल वर्मा, वशु कुमार वर्मा और राकेश तोताराम हरीश जैसे लोगों के खेतों में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे उनकी पूरी फसल जलकर खाक हो गई। जितना किसान आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, आग उतना ही तेजी से किसानों के फसल की तरफ दौड़ती चली गई और गेहूं की फसल को अपनी आगोश में ले लिया। वहीं हरवंशपुर जप्ती में अज्ञात कारणों से गेहूं के खेत में आग लग गई, जिससे सैकड़ों बीघा की फसल जलकर खाक हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियां स्थानीय किसानों के मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गेहूं की फसल जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गई थी। वहीं किसान के पास अब सिर्फ आंसू पोंछने के ही टाइम बचे हैं। वहीं स्थानीय लेखपाल मौके पर पहुंचकर आकलन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जनपद श्रावस्ती से मोहम्मद शाह आजम की रिपोर्ट। अज्ञात कारणों की वजह से आग लग जाने से लोग तकरीबन 50 से 70 बीघे गेहूं जलकर राख हो गया, जिस पर ग्रामीणों ने कड़ी मेहनत करके अपने मेहनत से गेहूं के और आग पे काबू पाया। इससे हमारे किसान भाई बहुत भावुक हो गए हैं। हमारी गवर्नमेंट से यह अपील है कि हमारे किसान भाइयों को इस जो जली हुई गेहूँ पराली मतलब है, इसका उचित से उचित अधिकारी भेजकर इस पर उचित कार्रवाई करवाएं। कोई न्यूज वाला निकाली जरूर से टाइटल दिया हुई नुकसान हुआ।